अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम चौधरी दानियाल और देखते हैं आप स्मार्ट व्यूवर्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। सात मरला की कैटेगरी का जी एक और ब्रांड न्यू घर हमारे पास आ गया है फॉर सेल के लिए, और ये घर कैश के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं है। इस घर की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये बैरिया टाउन फेज है, ट्रावल पिंडी अबूबकर ब्लॉक के अंदर है। और लोकेशन अगर हम डिटेल में जाके देखें तो ये हमारे पास सामने मेन बॉलीवुड आ जाता है, और ये वेरी नेक्स्ट टू कॉर्नर है। एक घर कॉर्नर पे है और ये नेक्स्ट टू कॉर्नर घर है। काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर घर लोकेट करता है। इसकी स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं कि वाइड स्ट्रीट्स हैं, आसपास का रेजिडेंशियल एरिया भी आप देख सकते हैं। और चलें जी, अगर हम घर के टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बाहर से फ्रंट एलिवेशन का क्लोज शॉट्स देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो एलिवेशन पर जो काम हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो यहाँ पे एल्युमिनियम की इंस्टॉल की गई हैं। और एलिवेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास वॉल रॉक का इस्तेमाल किया गया है। सामने बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे एक स्लोप आ जाती है कार रैंप की, और एक्सटर्नल यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एरिया भी है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत एक ट्रक भी लगा हुआ है, और स्लाइडिंग यहाँ पे मेन गेट का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे किस तरफ हमारे पास स्टेयर्स हैं जो कि एक आपको सिंगल डोर का एक्सेस देती हैं। तो जैसे ही हम जी स्टार्ट करते हैं घर का टूर, और देखने वालों से दरख्वास्त है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, ताकि कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन की टिप लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के दौरान वो सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तो चलें जी, ये हम जैसे घर का टूर में करने के लिए एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कारपोच का एरिया आ जाता है। कारपोच के एरिया में आपके साथ ही आप देख सकते हैं कि सामने सीलिंग डिज़ाइन है खूबसूरत, और नीचे मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। यहाँ पे क्योंकि ये डबल यूनिट हाउस है तो हमारे पास यहाँ पे दो एंट्रेसेस दी गई हैं। एक हमारे पास ये जो है वो फर्स्ट पोर्शन के लिए, अगर आप इसको रेंट आउट भी करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे मेन डोर है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम का डोर है। तो मेन डोर से जी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं घर के अंदर किस तरह की कंस्ट्रक्शन की गई है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम डोर की क्वालिटी की बात करें तो वुडन डोर है, जो सॉलिड क्वालिटी के अंदर है। आप देख सकते हैं सॉलिड मटेरियल है, ये डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से अंदर आते हैं तो ये हमारे पास जी सामने खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने हमारे यहाँ पे ओपन किचन आ जाता है, और दो बेडरूम्स बिल्कुल हमारे एंट्रेंस से अंदर अंतर होते साथ ही बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। और अगर ड्राइंग रूम की बात की जाए तो बिल्कुल ही हमारे पास इस तरफ ड्राइंग रूम आ जाता है। ये व्यूअर्स चेक करें ज़रा, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, वेंटिलेशन विंडोज़ विद सेफ्टी ग्रिल्स, ये हमारे पास इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। और प्रॉपर यहाँ पे टाइल की फ्लोरिंग की गई है, ये है यहाँ पे हमारे पास एक मिरर भी इंस्टॉल किया गया है, और इसी के साथ इसका एक अटैच वॉशरूम भी आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पे वॉश बेसिन इंस्टॉल किया गया है, वैनिटी मिरर है हमारे पास, कमोड है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, और इसका ड्राइंग रूम के लिए आपका अलग से एक्सेस है, अलग से एक डोर है। अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप यहाँ से उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये एक छोटा सा स्टोर भी है, ये आप देख लें। यूजली लोग यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे कुछ फैंसी वगैरह चीज़ बना देते हैं कोई ना कोई शशके के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को जो है स्पेस को अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया हुआ है, इसको कवर अप किया, आप एज इसको स्टोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ओपन किचन कॉन्सेप्ट आ जाता है। किचन पे ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ब्लैक मार्बल टॉप है यहाँ पे, टोटली ब्लैक कलर का थीम यहाँ पे रखा गया है। ये तो असल में कुछ शीटें हैं ब्लू कलर की, नीचे से सारी वो ब्लैक की कैबिनेट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल डोर स्टोव हमारे पास इस तरफ दिया गया, और चीज़ें वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए ये यहाँ पे सैनिटरी प्रदान इस तरफ, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पे टाइल है, टाइल का काम किया गया, और यहाँ पे आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक फ़ैन भी दिया गया गोल्डन सीलिंग के साथ, और ये यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन की वो आ जाती है ग्रिल भी उन्होंने टॉप हाइटेड इंस्टॉल की गई है एज अ स्टाइल के लिए। तो दो बेडरूम्स हमारे पास जी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, और तीन बेडरूम्स हमारे पास अपर पोर्शन पर, टोटल पाँच रूम बेड, टोटल पाँच बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। तो बेड फर्स्ट को विजिट करते हैं सबसे पहले, या आप देख सकते हैं व्यूअर्स क्लीन लाइन आर्किटेक्ट है, यहाँ पर खूबसूरत लाइटें इंस्टॉल की गई हैं, और इस तरफ हमारे पास ये एक एज आ पैनल भी बनाया गया जिसमें प्रोफाइल लाइट, पॉपअप प्रोफाइल लाइट उसमें इंस्टॉल्ड है। वार्डरोब की बात की जाए तो वो यहाँ पे हमारे पास इस तरफ क्लोजेट पे आती है, सामने वेंटिलेशन विंडोज़ हैं, और अटैच वॉशरूम जो है वो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। वैनिटी मिरर है, वॉश बेसिन है, प्लस कमोड, और यहाँ पर आप खूबसूरत टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये हमारा जी बेड फर्स्ट का टूर कंप्लीट हो जाता है, और अभी चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये हमारे पास सेकंड बेडरूम आ जाता है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, वार्डरोब हमारे पास इस तरफ आ जाती हैं, सामने वेंटिलेशन विंडोज़ हैं, और आप यहाँ पे चाहे तो अपने लिए कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पर सामने इंस्टॉल कर सकते हैं, और अटैच बाथरूम हमारे पास यहाँ पर आ जाता है।
ये आप देख सकते हैं रोज़ खूबसूरत वॉशरूम यहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिक्सअप नहीं हुई। ओपन शावर है, मैनेटिक मिरर है और ये यहाँ पर हमारे पास ये इसका अटैच वॉशरूम था। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास दो बेडरूम थे, एक ओपन ड्राइंग रूम था और एक ओपन किचन है। यहाँ पे पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, इसलिए ये जी डबल यूनिट का घर है और एक ये ग्राउंड फ्लोर का ऊपर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम ज़रा चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। 7 मरले की कैटेगरी का घर है, इस घर की अगर डिमांड की बात की जाए तो 3 करोड़ 25 लाख इस घर की डिमांड है। और बाकी हम यहाँ पर जैसे फर्स्ट फ्लोर के लिए चलते हैं तो ये हमारे पास जी वो अलग से डोर एक्सेस थी अपर पोर्शन के लिए। मार्बल का काम किया गया, मार्बल की स्टेज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है और ये आप देख सकते हैं साइड पे जो सेफ्टी गिल्स हैं स्टील वाली एल्यूमिनियम। अच्छा जी व्यूअर्स, ये जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं फर्स्ट फ्लोर की जाने तो हमें यहाँ से ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये चेक करें व्यूअर्स, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ हमारे पास अपर पोर्शन आ जाता है। ये चेक करें व्यूअर्स, बिल्कुल ही सामने हमारे पास ओपन किचन है, यहाँ पर हमारे पास दो बेडरूम्स आ जाते हैं और एक हमारे पास बेडरूम इस तरफ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है। अलग से यहाँ पे एक चीज़ जो लैक कर रही है इस घर में, उन्होंने मीडिया वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है स्टेयर्स के बिल्कुल साथ। तो किचन विजिट कर लेते हैं जी। सबसे पहले ओपन किचन है हमारे पास और सेम लाइक दैट जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था वही थीम के अंदर है, वही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर टाइल का काम किया गया है। होल्ड और स्टोर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है और सैनिटरी की चीज़ें इस तरफ हैं। ये यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा काउंटर है, आप यहाँ से चीज़ें वगैरह आपने जो भी करनी है यहाँ पे आप सब्जी वगैरह भी काट सकते हैं, जो आप इसको मतलब जिस तरह से भी इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेयर्स के लेफ्ट साइड पर हमारे पास दो बेडरूम्स आ जाते हैं। तो देखते हैं जी बेडरूम्स के अंदर, ये हमारे पास यहाँ पे खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, बाकी बेडरूम्स के कंपेरिजन में एक विनिंग चीज़ दी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे क्लोजेट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, ये चेक करेंगे। सामने वेंटिलेशन विंडोज हैं, यहाँ पे हमारे पास अटैच वॉशरूम भी आ जाता है इसका, खूबसूरत टाइल वर्क यहाँ पे और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया। कोई भी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा वो आंखों में नहीं चुभ रही जिसकी वजह से हमें लगे कि यार ये कलर बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। सॉरी, ये वाला विजिट हो चुका है, ये हमने यहाँ पे सेकेंड बेडरूम कर लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी थर्ड बेडरूम जो फर्स्ट फ्लोर का है, ये हमारे पास ये थर्ड बेडरूम आ जाता है। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, यहाँ पे फैन भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है और ये हमारे पास यहाँ पे मिरर भी इंस्टॉल्ड है बैक साइड पे, जो हमने आपको किचन वाली वेंटिलेशन विंडोज देखी थी। यहाँ पे ये वेंटिलेशन विंडो आ जाती है और क्लोजर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास वॉक थ्रू आ जाती है डबल साइड, ये आप चेक कर रहे हैं। डबल वार्डरोब आ जाती है यहाँ पे, ये वाला जो हमारे पास बेडरूम है इसका आपका जो अटैच वॉशरूम आ जाता है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, यह स्पेशियस है ज़रा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको पूरा टाइल वर्क है, वैनिटी मिरर यहाँ पे इंस्टॉल है, कमोड है और यहाँ पे शावर के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। ठीक है, हमारे पास ये वॉशरूम में कैबिनेट्स भी हो गए यहाँ। अब मैं आपको ज़रा इसका गैलरी का टूर करवाता हूँ और उसमें देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर जो मार्बल का इस्तेमाल किया गया प्लस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी आ जाती हैं, ग्रिल्स आ जाती हैं एल्युमिनियम की और आप अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गैलरी के अंदर वहाँ पे आगे चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर रूम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि शाम के वक्त में अगर आप यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आराम से बैठ कर अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। या आप आगे पीछे रेजिडेंशियल एरिया सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, खूबसूरत ग्रीनरी वगैरह है। सामने ये मेन बॉलीवुड है हमारे पास और ये आसपास उसका रेजिडेंशियल एरिया। तो व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है मैं आपको अगेन बता देता हूँ, 3 करोड़ 25 लाख इस घर की डिमांड है। 7 मरला की कैटेगरी है और वेरी नेक्स्ट टू मेन बॉलीवुड है, वेरी नेक्स्ट टू कॉर्नर है। और अगर इस घर की बात की जाए रूफ टॉप की तो वहाँ पे हमारे पास एक मोमटी है जिसको हम सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं और एक सर्वेंट क्वार्टर के साथ साथ एक अटैच वॉशरूम हमारे पास अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, ये थे जी आज की वीडियो, उम्मीद था आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करें वहाँ पर, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ बर वक्त आपकी स्क्रीन पर हासिल होती है। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।